हम हैं बैठे है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तू लुटाए चितवन से नस नस को भर दे आज आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके तू जो धरा पे बधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग किसी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे ओ हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में ओ उस मीठे से वतन
उठे से वतन
ओम शांति। सभी बाप दादा के लाडले बच्चों को देख बाप दादा भी बहुत हर्षित हो रहे। क्योंकि हर बच्चा बाप को कितना प्यार है, हर एक का चेहरा देख बाप दादा के मन में एक एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत देख बाप को भी कितना हर्ष होता है। जैसे बच्चों की हर शिकल में बाप को देख बाप हर्षित होते हैं, ऐसे ही हर एक भारत या विदेश दोनों तरफ के बच्चों को साकार में सामने देख बाप कितना खुश होता है। वाह, हर एक बच्चा वाह, सबके नैन अति न्यारे और प्यारे, दिखाई दे रहे क्योंकि हर एक की दिल यही बोल रही है वाह बाबा वाह, जो साकार रूप में बाप और बच्चे का
ये मिलन कितना प्यारा लग रहा है। कितने समय के बाद साकार में बाप दादा बच्चों को देख और बच्चे भी बाप को देख कितना हर्षित हो रहे। हर एक की दिल में यही गीत बज रहा है। वाह बाबा वाह, और बाप के दिल में भी यही गीत है। वाह बच्चे वाह, हर एक के बच्चे के इन आंखों से साकार वतन में ये मुलाकात कितनी प्यारी। बच्चों के दिल में वाह बाबा वाह, और बाप के दिल में वाह बच्चे बाबा वाह। ये थोड़े समय का मिलन कितना प्यार है। हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है।
ऐसे प्रेम स्वरूप हर बच्चा दोनों के दिल में मेरा बाबा और बाप के दिल में मेरे बच्चे इस घड़ी मेजॉरिटी हर बच्चे सन्मुख बाप को देख दिल में मुख में मेरा बाबा यही गीत सुन रहे हर एक के दिल में मेरा बाबा बड़े नंबर वार है लेकिन समय के मेरा बाबा और बाप के दिल में कौन मेरा बाबा इतना सन्मुख मिलन मनाते देख सबकी दिल हर्षित हो रही बाप भी एक एक बच्चे के दिल की याद का फोटो देख देख हर्षित हो रहे हैं वाह बच्चे वाह ये मिलन सन्मुख मिलन चाहे द्वारा है
लेकिन ये मिलन इस मिलन का अनुभव साधारण नहीं, बाप के दिल में इतने सब बाप के दिल में समाये हुए, बच्चों के दिल से वाह बाबा वाह, और बाप के दिल से वाह बच्चे वाह, हरे की दिल बच्चों के दिल में बाबा, बाबा के दिल में बच्चे, ये दिल का मिलन चित्र के रूप में देखो, तो हर एक लव में लीन है, हर एक दिल क्या कह रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और बाबा भी एक एक बच्चे का प्यार दिल में समाये हुए, भक्ति में ऐसे नहीं सोचा था तो ऐसे प्रभु मिलन हम बच्चों के भाग्य में है, लेकिन ड्रामा कहें या तकदीर कहें, हर एक बच्चे के भाग्य को देख बाप को कितनी खुशी होती है, वाह बच्चे वाह, ऐसा मिलन जैसे सन्मुख मिल रहे हैं, तो इसको कहेंगे
ऐसे मिलन का मौका मिला हुआ है ड्रामा में, बहुत अच्छा मन आनंद में आ जाता है। भले रूप दूसरा है फिर भी मिलन तो है ना। क्या वासना आती है, बाप मिलने आए हैं, वह बच्चे बच्चे मिलने आए, ऐसा भाग्य साकार रूप में ऐसे मिलेगा ये ड्रामा में नूंदा हुआ है, ये देख कितने हर्षित होते। अभी बाबा की एक ही हर बच्चे के साथ यही दिल है, हर एक ही दिल यही कहता है, कहते हैं बच्चा हर एक बाप के दिल में समाये हुए रहे, और समाते समाते इतनी खुशी का अनुभव करते हैं, जो करते हुए भी दिल नहीं पूरी होती, दिल से हर समय यही निकलता है ऐसा बाबा कलयुग में ऐसी चीज मिले, कितना भाग्य है। परंतु साइंस वालों को थैंक्स देते हैं जो ऐसे मिलन के रास्ते
बनाए हैं। जो सन्मुख न होते सन्मुख का अनुभव करते। कई बच्चों का अनुभव देख और सुन बाप भी हर्षित होता है। बाप बच्चे को देख के खुश होते और बाप बच्चे दोनों जब खुश होके मिलते तो आप अनुभवी। और ये साइंस वालों को बाप दादा निमित्त बनाने वाले देख दिल ही दिल में उनों के भी गीत गाते हैं। वाह, ये बाप और बच्चे का मिलन सदा होता रहे तो कितना अच्छा, लेकिन ड्रामा में इतना ही है। फिर भी साइंस ने मिलन का रास्ता बहुत सहज बना दिए। सामने दिखाई भी देता है, सुनने में भी आता है। तो बाप दादा भी जब बच्चों को देखते हैं कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में साधन तो बहुत अच्छा बना है। फिर भी सामने भाषणा तो देते हैं ना, कुछ भी रूबरू की भाषणा तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी बाबा की शिकल नैन चैन मिलन ये भी एक संगम का वंडर है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं ना देख करके, बात करते मिलते खुश हो जाते। इसलिए कोशिश करते हैं मधुबन चलो मधुबन चलो। और बाप भी हर बच्चे को देख कितना खुश होता होगा। सारे ड्रामा में
ये मिलन विविचित्र है। तो जब भी ऐसा दिन होता है तब हर बच्चा कोशिश करता है पहुंच जाए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में सब सुख नहीं पूर्ण होते, होता है लेकिन जो मनुष्य चाहता है वो सब पूरा नहीं हो सकता। तो बाप दादा को भी जब सुनते हैं ऐसे मिलन हो सकता है तो अंदर कितनी खुशी होती होंगी। बच्चों को तो होती है, बाप को भी होती है। हर एक के दिल में बाप की याद तो सदा रहती है कि मुश्किल है। जो समझते हैं कि बाप की याद भूलना मुश्किल है, वो हाथ उठाना, भूलना मुश्किल है। फिर क्या करते हो आप, दिल में ही समा देते हो। और कई बच्चे तो देखा है इतना दिल में याद आता है जो चुपचाप बैठे हैं अकेले, लेकिन ऐसे ही बैठे हैं जैसे कोई सामने बात कर रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि ये मिलन का दिवस बहुत अमूल्य है। फिर भी साइंस वालों को थैंक्स तो देंगे ना। किसी भी साधन द्वारा बाप सामने आ जाए, शब्द सुनाई आ जाए, खुशी कितनी होती है। तो जब बाप दादा सुनते हैं कि ये साधन मिला है जो सुनने सुन भी सकते और मिल भी सकते, तो बाबा के मुख से क्या निकलता है, वाह साइंस वाले बच्चे वाह। जो ऐसे साधन बनाए हैं
जिस समय भी दिलो बाबा को देखे सुने तो सुन सकते। जैसे हमारे सामने ही बाबा बैठे हैं, ऐसा साधन भी बनाए तो है ना। लेकिन पहली बात है हमारे दिल में ही इमर्ज हो सकता है, मिलन हो सकता है, ये भी ड्रामा में नोंद है। तो बाबा साइंस वालों को भी बहुत बहुत याद करते कि और भी कुछ नज़दीक का बनाओ। जिसमें बच्चे भी खुश तो बाप भी खुश। ये बताते हैं तो बच्चे कितना योग लगा के साइंस वालों के पीछे पड़ के इन्वेंशन निकालते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों का दिल का याद जो है वो देख बैठ नहीं सकते। कोई ना कोई साधन निकलता ही रहता जिसे गरीब भी देख सके, शाहूकार भी देख सके। और सबसे सहज मिलन दिल का मिलन। आज सुबह से उठे तो जब तक बाबा मिले तब तक आपके दर्पण में क्या क्या आया था। घड़ी घड़ी अभी जाए बाबा आया होगा, बाबा मुरली चलाएंगे, यही याद होगा ना। तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो कैसे भी इन्वेंशन निकाली और यहाँ तक भी पहुँच गए। जो बाप आपके सामने, आप बाप के सामने हो जाते। फिर भी इतना तो हो गया ना। इस छोटे सा मिलन है तो छोटा सा मिलन, लेकिन फिर भी मिलन तो है ना। तो बाप भी याद करते, बच्चे भी याद करते, लेकिन याद का रेस्पॉन मिलता है उसमें कितनी खुशी होती। याद तो सभी करते हैं, कोई भी होगा ना, छोटा बच्चा, अनजान होंगे तो भी कहेंगे आज फोटो दो तो देखें बाबा कैसे मुरली चलाता है।
ये है दिल का लगाव। बस बाबा शब्द कहते सुनते देखते बाबा 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 बच्चे में बच्चिया बाबा में समा जाती। और बच्चे भी कोशिश करके देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुंचे वो। ये बाप और बच्चों का मिलन या आत्मा परमात्मा का मिलन कितना अमूल्य है। इस अमूल्य मिलन के समय को संगम युग कहा जाता है। इस युग की महिमा करो तो कितना नैन गीले हो जाते। तो बाबा इम्तिहान लेंगे अभी अचानक इम्तिहान लेंगे कि सारे दिन में कितना टाइम याद रहता है। क्यों बहुत प्यारा है ये तो सभी कहते हैं ये कर दें ये कर दें ये कर दें। वो तो ठीक है दिल में प्यार तो सभी का है लेकिन कितना समय निकाल के याद में बैठते हैं कैसे बैठते हैं वो तो हर एक हिस्ट्री खुद जाने या बाप जाने। तो सभी बच्चे ठीक है जिनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है वो हाथ उठाना। सभी का हाथ भी देखो तो कितना अच्छा लगता है। जब हाल फुल हो जाता है तो कितनी सीन अच्छी लगती है। पहले सबसे अच्छी याद तो दिल की है। दिल में बाबा बाबा ही याद हो चलते फिरते कुछ भी करते। इसलिए बाप की भी दिल नहीं रहती बच्चों की भी दिल नहीं रहती। तो ड्रामा में मिलन का साधन भी अच्छा रखा है। साइंस ने इस समय
मिलन का रास्ता बहुत अच्छा बना है। छोटी सी कैसेट रख दो, जब चाहे तब आवाज सुनो। बाबा कहते हैं साइंस ने भी कमाल किए, सुनने का भी देखने का भी। लेकिन बाप सदा कहता है ये तो अल्पकाल के साधन है, लेकिन सदा साथ हो आपके वो दिल। दिल में बाबा को याद करो और इमर्ज रहे। ये प्रैक्टिस जरूरी। अच्छा, अभी आज कौन सा तरफ है? बाबा सेवा का टर्न जो है ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु सभी खड़े होंगे। 18,000 है ये जोन, अपने आप में ही संपन्न है। 18,000 है पूरा हाल ही ईस्टर्न जोन नेपाल और तमिलनाडु है पूरा। अच्छा, हाल पूरा हाल ही उठ गए। बाकी वैसे बाबा 23,000 आए हैं, वैसे 23,000 आए हैं। अच्छा, साइंस वाले भी अपना उलहना उतार रहे हैं। जो दे सकते हैं वो देते। लेकिन सबसे सहज याद करने का तरीका जो है वो याद बिना साधन के दिल में आ जाए। निकालना चाहे तो भी नहीं निकले। साधन इतने कमाल साइंस का है। और ऐसे टाइम पर साइंस का साधन हुआ है, जो बच्चे कहाँ भी हो, विलायत में हो यहाँ हो, सब साधनों से मिलन मना सकते। तो संगम पर सिर्फ बाप का साथ नहीं मिलता, लेकिन साधन जो है उनके भी बहुत साथ मिलते हैं। मिलन के लिए कितने साइंस के साधन हैं। ये संगम पर बाप और बच्चों के मिलन के साधन भी कम नहीं है। इसीलिए साइंस को भी कहेंगे कि हमारे
मिलन के लिए निमित्त साइंस भी बनी। भले पैसा चाहिए परंतु दूर बैठे भी मिलन तो हो सकता है, चाहे कुछ भी काम करके पैसा इकट्ठा करके अभी कर। मैंने बोल दिया आपको, सभी बैठेंगे ईस्टर्न जोन वाले, नेपाल वाले, तमिलनाडु वाले। अभी बाबा डबल विदेशी आए हैं, 60 देशों से 700 भाई बहने आए हैं, 60 देशों से 700 भाई बहने आए हैं। डबल विदेशी भाई बहने खड़े होंगे अपने स्थान पर सभी। फिर भी यहाँ के वहाँ के मिला के अच्छा है जो पहुँच गए। बाप बताता को तो खुशी होती है कि बच्चे कैसे भी पैसा इकट्ठा करते। एक तो उनों की कमाल बहुत अच्छी होती, बाबा सुनते हैं कैसे इकट्ठे करते हैं, 2-3 मिसाल सुनते हैं, दिल में लगन कितनी है और लगन के साथ साधन भी कैसे इकट्ठे करते हैं। कमाल तो उनकी भी है क्योंकि पहले तो टिकट चाहिए, लेकिन बाप ने देखा तो बच्चों की दिल बाप से, बाप की दिल बच्चों से दिन याद करते रहते, कब कब होगा कब हो। बच्चों का बाप से और बाप का भी बच्चों से बहुत दिल का प्यार है। बस उन दिनों का तारीख याद करते रहते हैं कब शुरू होगा। तो सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है, बाप को भी बच्चों को देख, जितने बच्चे ज्यादा है उतने बाप की खुशी है। सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठेंगे अपने स्थान पर। बाबा याद प्यार सभी को बहुत बहुत दिल से याद प्यार तो है ही, क्योंकि दिल में समाया हुआ कौन है। खास जिस समय चलती है यह मुरली उस समय भी देखो, अपने घरों में भी
मुरली के टाइम जब शुरू होती है सीजन, तो कैसे भी करके अटेंशन दे के टाइम निकालते हैं। बाप दादा भी देख करके हर्षित होते हैं, बच्चों की दिल मुरली से कितनी अच्छी खजन है न। तो जो भी दिल से कैसे भी सरकमस्टेंस होते हुए पहुंचे हैं, उन सब को सन्मुख मिलन तो हो गया, लेकिन सन्मुख मिलन तो हुआ, अभी इसी मिलन को बढ़ाते जाएं, जहां तक हो सके वहां तक बढ़ा सके, ये पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते चल। हाल तो ये भी बढ़ गए है पहले मिलन में, बाप को बच्चों को देख करके खुश होते हैं। जो भी आए हैं उन एक एक बच्चे को बाप दिल से याद प्यार का रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने सब बच्चों को दिल का बहुत बहुत प्यार दिया, और अभी दादियां मंच पर आएंगे। दादी जानकी जी, रतमोहन दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, ईश्वर।